दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों बात करेंगे FIR के बारे में। FIR के बारे में विस्तार से जानकारी आपको देना चाहता हूं मैं इस वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो में या इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आज बात करते हैं FIR को लेकर। FIR अगर दर्ज नहीं होती या पुलिस अधिकारी FIR को दर्ज नहीं कर सकता या नहीं करता है, आपको बार बार चक्कर काटना पड़ता है, तो आप के पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या उपाय है क्या नहीं है, FIR के बारे में बात करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। मान लो किसी भी व्यक्ति के साथ अनहोनी घटना हो जाती है, किसी के साथ मर्डर हो जाता है किसी व्यक्ति का, या किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, या छोटी मोटी मारपीट हो जाती है, तो आप संबंधित जिस एरिया में संबंधित थाना है वहाँ जाकर एप्लीकेशन दे सकते हो, वहाँ आपकी रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। मान लो आप एप्लीकेशन देने के बाद भी वहाँ पुलिस वाले आनाकानी करते हैं, तो आपके पास क्या उपाय है। मान लो किसी भी व्यक्ति के साथ घटना होती है, तो जरूरी नहीं कि उनके परिवारजन आके ही रिपोर्ट दर्ज कराए, कोई भी व्यक्ति जहाँ मौजूद व्यक्ति है जो घटना को देखा है वो व्यक्ति भी दर्ज करा सकता है। ये कानून में है, क्योंकि किसी के साथ अगर घटना हो रही है गंभीर प्रकार की, तो जब तक घर वालों को सूचित पुलिस वाले करेंगे, जब तक जब किसी को पता नहीं है किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो जो व्यक्ति वहाँ मौजूद है वो व्यक्ति संबंधित थाने पे कॉल कर सकता है, 100 नंबर पे कॉल कर सकता है। कोई सा भी थाना FIR दर्ज कर सकता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति आएगा, परिवारजन आएंगे, वो FIR दर्ज कराएंगे, ये कतई संभव नहीं है। मान लो ये तो इम्पोर्टेंट केसेज में हो जाता है, लेकिन मारपीट आपके साथ मारपीट हो जाती है, छोटी मोटी घटना हो जाती है, और पुलिस में आप कंप्लेन दर्ज कराने जाते हो, तो पुलिस अगर कंप्लेन दर्ज नहीं करती है, मान लो उदाहरण के लिए अगर पुलिस कंप्लेन दर्ज नहीं करती है, तो आप संबंधित थाना क्षेत्र में जाइए, संबंधित थाने में जाइए, एप्लीकेशन दीजिए। अगर एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस वाले दर्ज नहीं करते हैं, तो आप उससे उच्च अधिकारी जो SP है या DP है उनके पास उपस्थित हो सकते हो। मान लो उसके बावजूद आपकी FIR की कोई सुनवाई नहीं करता है, या कोई सुनवाई नहीं हो रही है, या दर्ज नहीं हो रहा है, लेकिन राजस्थान में तो ऐसा होने लगा है, क्योंकि अगर पुलिस थाना अधिकारी आपकी FIR दर्ज नहीं करता है, तो आप SP कार्यालय से भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में जब दर्ज नहीं होने पर आप किसी भी वकील के माध्यम से कोर्ट से इस्तकासा करके, कोर्ट को संतुष्ट करके, सारी चीज़ें बताने के बाद कोर्ट को लगे कि वास्तव में ये घटना सही है, पुलिस वाले इस व्यक्ति को गुमराह कर रहे हैं, पुलिस वाले दर्ज नहीं करे, तो कोर्ट सब सुनने के बाद 156(3) में दर्ज करने के लिए संबंधित थाना अधिकारी के पास भेज देती है। उसके बाद अगर मान लो थाना अधिकारी दर्ज करने के बाद निष्पक्ष जांच नहीं करता है, तो आप SP के पास जाकर तफ्तीश चेंज करा सकते हो, जो इन्वेस्टिगेशन करा है उसको चेंज करा सकते हो। ये सारी प्रक्रिया FIR में होती है, और FIR कोई भी व्यक्ति दर्ज कर सकता है। मैंने कहा कि चलते किसी भी कोई व्यक्ति रोड में जा रहा है, उसके साथ कुछ घटना हो जाती है, आप वहाँ मौजूद हो, तो आप संबंधित थाने वाले को या 100 नंबर पे कॉल करके, भाई मैंने अभी ये देखा है, ये घटना हो गई है, तो आप भी FIR दर्ज करा सकते हो, पुलिस वाले आपको मना नहीं कर सकते। मान लो आप अनपढ़ हो, तो उसके बावजूद भी पुलिस वाले खुद लिख के FIR दर्ज करेंगे, ये कानूनी है। लेकिन आजकल हर व्यक्ति बसता है, कोई व्यक्ति चलते हुए अगर किसी राहगीर के साथ कुछ हो जाता है, तो वो व्यक्ति बसता है कि जाने अपने आप कराते रहेंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी इस प्रकार की घटना होती है, FIR दर्ज नहीं होती होती हो, तो आप इस प्रकार के वीडियो देखें, और आप अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार की कोई घटना होती है तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, जिससे लगे कि हर व्यक्ति के साथ एक परेशानी होती है, कि हर व्यक्ति को एक दो दो या दो चार बार तो पुलिस वाले उनको घुमाते फिराते हैं कि आप वहाँ जाओ, आप उससे तर के वहाँ जाओ। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।